तो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं जस्सी गिल एंड जस मानक एंड करण औजला के बारे में। सो लेट्स गो फॉर वीडियो। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू। अगर आपको अपने फेवरेट सिंगर के बारे में कुछ फैक्ट चाहिए तो कमेंट में अपना फेवरेट सिंगर का नाम लिख देना, मैं उसके बारे में फैक्ट लाऊंगा। तो जस्सी गिल की बात करें तो उनका ऑल राउंडर एल्बम में का दो सॉन्ग रिलीज हो चुके हैं, एंड जिंदे मरिए एंड सुरमा, जो कि दोनों सॉन्ग सुपर डुपर हिट है। तो जस्सी गिल जल्दी अपना नेक्स्ट सॉन्ग रिलीज करेंगे। जिंदे मरिए को 1 मंथ हो चुका, सो जल्दी न्यू पोस्टर आएगा न्यू सॉन्ग से का, सो वेट करना, थैंक यू। करण औजला की बात करें तो इनका न्यू सॉन्ग जो कि 2022 में आने वाला था जनवरी पे, सो अभी तक नहीं आया। सो उनका न्यू सॉन्ग जो कि 2022 में आने वाला था यानी कि इस मंथ, सो वो जल्दी ही अपना न्यू सॉन्ग का पोस्टर रिलीज करेंगे। उन्होंने स्टोरी भी लगाकर सॉरी भी बोला है, सो आप उस स्टोरी को जाकर देख भी सकते हो। सो थैंक यू सो मच। जस मानक फिलहाल अपने लाइव शो के लिए बहुत ही व्यस्त है, एंड उनका न्यू मूवी भी आने वाला जिसका नाम है जट ब्रदर, जो कि 4 फरवरी को रिलीज होने वाला। तो हम आपको बताते हैं जस मानक अपने एक लाइव शो के लिए कितना फीस चार्ज करते हैं। सो हम आपको बताते हैं जस मानक अपने एक लाइव शो के लिए लगभग 10 लाख रुपीस लेते हैं। सो थैंक यू सो मच। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, थैंक यू।